हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. वेलकम बैक टू आवर चैनल. बोलो वेलकम बैक. वेलकम बैक. उर्वी की टोपी पे बिल्कुल मत जाना, ये टोपी बिल्कुल छोटी है इसको. बट मैंने नहाने के बाद ऐसे ही सिर थोड़ा ढका रहे इसलिए इसको पहना दी थी. लो, तो आज है सैटरडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 11:58. 12 बजने वाले हैं और उर्वी जो है अभी अभी सो के उठी है, बिल्कुल जस्ट अभी. इसीलिए अभी 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 जमाइया आ रही है ना. तो उर्वी नहा गई, आदित नहा गया है, मैं नहा गई हूँ, सारा काम खत्म हो गया है, बस लंच बनाना है. लंच के लिए भी सिर्फ चपाती या चावल जो भी बनाना होगा, क्योंकि मटर पनीर बना था शाम को तो वो खूब सारा है. ब्रेकफास्ट में इन लोगों ने ब्रेड खाई है. स्वेटर तो छोड़ दे भी जान, इसको खड़े होने की हुआ हो रही है. अब लो, हो जाओ खड़े, हो जाओ, लो पकड़ लो. ये वाली टोपिया ना मौर्य की है, मौर्य की भी नहीं, मौर्य की जो बुआ है उनकी बेटी की है. तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंची है ये. तो ये अभी इसको लूज टाइट हो गई है, छोटी हो गई है, बट मैंने ऐसी फंसा दी, मेरे हाथ में ये आई तो मैंने ये लगा दी. पर ये कपड़े वाली जो टोपी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है बच्चे के लिए. ले लो, आप ले लो, आप ले लो चेन. आपको चाहिए, आपको चाहिए, ले लो. तो धनतेरस आई थिंक 2 तारीख को है, देखते हैं धनतेरस पे क्या लिया जाता है ना. आप क्या लोगे धनतेरस पे? अच्छा, और क्या लोगे? बस बस आप हगी मारो. तो चलिए थोड़ी देर के लिए ना मैं उर्वी को बाहर ले जाती हूँ धूप सेकने के लिए. बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपका आपके पास कोई न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसे ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 मिनट के लिए धूप ज़रूर दिलानी चाहिए, सेकनी चाहिए. बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. खासकर जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो बोलते हैं कि बाहर नहीं लेके जाना, बाहर नहीं लेके जाना. बट अगर आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए रोशनी दिखा देते हो ना, धूप दिखा देते हो, तो बच्चे को जॉन्डिस वगैरह होने का भी खतरा नहीं रहता है. हाँ जी, हाँ जी, तो धूप बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ. इसको ना खड़े होने की जिद है कि मुझे खड़े होना है, खड़े होना. और ये देखो खड़ी है ये बिल्कुल. पता तभी हमें भूख लग रही होती है. ये देखो आज हम खाएंगे टिक्की, विनोद चाट भंडार की टिक्की. विनोद की है? नहीं, हाँ, वो तो बकवास बनाता है. तो किसकी है? ठेला लगाता है. आ जाओ, एक साइकिल चला रहा है रात को अभी ऊपर. आ दू लिख सकते हो आप. तो गुड इवनिंग, मैं आ गई हूँ किचन में. मैंने ये जो ये स्टील वाले हैं ना, ये कल धोए थे, अभी मैंने इनको पोंछ के सुखा के ऐसे रखा है. तेल अभी तक इनमें नहीं डाला है, बढ़िया हो गए. एक मेरा घी का था जो मुझे मम्मी ने घर से घी दिया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने खरीद के 2 किलो घी. उसकी बकेट भी खाली हो गई है, बाल्टी खाली हो गई है. तो ये मैंने यहाँ पे धो के
रख दिया है, अगर अभी आगे कभी घी डालना होगा तो ये काम आ जाएगा। और यहाँ पे ये गाय का घी है जो मेरी बुआ ने मुझे दिया है जब उर्वी हुई है उसके होने के उसमें दिया है, मतलब उस टाइम तो नहीं दिया था लेकिन अभी जब मैं घर गई थी तब दिया है। तो ये है गाय का घी, अब हम ये खाएंगे। और बहुत दिनों से ना ये मसालदानी के अंदर के जो छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं ये मैंने धोई थी, मसालदानी भी धोई थी क्योंकि मैंने जो है इनको वो दिया था नवरात्रे पे, जब अष्टमी थी या नवमी, नवमी के दिन पूरे इनके ऑफिस वालों के लिए मैंने खाना भिजवाया था, तो उस दिन मैंने ये कटोरियाँ निकाल के इसमें खीर डाल के दी थी क्योंकि ये ना बहुत टाइट होती है बंद, तो यही रीज़न है कि ये मैंने पहले इसमें मसाले डाले थे। बट नीरज बोलते कि जब इन्हें मतलब कुछ किचन में काम करना होता है तो ये इनसे खुलती नहीं है बहुत, इसका जो ढक्कन है ना बिल्कुल फिट बैठ जाता है तो ये इनसे खुलती नहीं है, तो इन्होंने जब तक चेंज करवा के वही प्लास्टिक वाली नहीं लगवा ली क्योंकि प्लास्टिक वाली का ढक्कन क्या है ईजिली ऊपर को करो और खुल जाता है, तो जब तक इन्होंने चैन नहीं ली तब तक, जब तक मैंने ये मसालदानी खाली करके दूसरी मसालदानी नहीं लगा ली, तो फिर ये जो मसालदानी है इससे मैं अभी तो फिलहाल यहीं रख रही हूँ किचन में, बट इसे मैं वो कर दूंगी, क्या बोलते हैं अंदर रख दूंगी अलमारी में, किसी को दे दूंगी मैं या तो अपनी मम्मी को, क्योंकि मेरी ससुराल में ऑलरेडी स्टील वाली है तो या मम्मी को दे दूंगी या सुमन को चाहिए होगी, किसी को भी दे दूंगी मतलब मैं, क्योंकि मेरे तो अभी अगर ये है तो ये यूज़ नहीं करेंगे, तो किचन में हम दोनों ही काम करते हैं तो फिर ये है, किचन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है किचन की, सब कुछ इधर उधर तहस नहस बिगड़ा पड़ा है, तो चलो इसको जो है करेंगे कल क्लीन। अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, उर्वी और उर्वी के पापा दोनों दूध लाने के लिए गए, आदित से मैं उसका होमवर्क करवा रही हूँ और मैं दूध उबाल रही हूँ, हम अभी दूध का गिलास पियेंगे, उसके बाद बर्तन पड़े हैं मुझे वहाँ पे धोने के लिए तो ये बर्तन धोने हैं अभी, उनको धो लूँगी फिर उसके बाद देखते हैं खाना वाना बनेगा और खाएंगे, बस यही है, इसी में निपट जाता। आज मैंने फुल डे ना चिल मारा है, बस कुछ नहीं मैंने किया है, ना झाड़ू लगाया आज, ना पोछा लगाया है, ना कपड़े धुले, बट वैसे ही मेरा संडे जाने वाला है फिर पूरा बिजी। मैंने सोचा था कि वैसे यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि सैटरडे को सारा काम निपटा देती हूँ ताकि संडे को एकदम से प्रेशर ना पड़े, इनकी भी छुट्टी होती है तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि हाँ बैठ लो आराम से, है ना, बट या कपड़े अभी रात को धो दूंगी मैं और जब सुबह पानी आएगा तो पानी में सुबह निकाल देंगे क्योंकि मौसम ठंडा हो गया तो कपड़ों में स्मेल पड़ने का अब डर नहीं है, बरसात में होता है ये इशू, तो क्योंकि पानी मेरे पास स्टोर है टंकी में, एक छोटी सी टंकी हमने रख रखी है उसमें स्टोर है, देखते हैं बहुत बातें होगी, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी अभी जो है मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, बातें बहुत हो गई, लेकिन ना यार मैं दो तीन दिन से एक ब्लॉग देख रही हूँ, पता नहीं भी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक लड़की है सितारा यासीन करके, है ना, सितारा यासीन, हाँ यही नाम है, मतलब मुझे भी दो तीन दिन से ही रिकमेंडेशन में जो है आना शुरू हुआ है वो, उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है लड़की की और कितना ब्रेवली ना वो व्लॉगिंग कर रही है, सब कुछ बता रही है कि मेरे हस्बैंड की शादी हुई, दूसरी शादी हुई, फिर मैंने पहले मुझे समझ नहीं आई चीज़ें, फिर मैंने पीछे वाले व्लॉग्स देखे तो उसके हस्बैंड की बारात वाली वीडियो उसके पास है, लड़की के पास है ना, और तीन बच्चे हैं उसके, फिर वो व्लॉगिंग भी कर रही है और साथ ही साथ फिर वो जो उसके हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को लेके उसके घर पे भी आते हैं, मतलब उन्हीं का घर हुआ बट वो सेकंड वाइफ को लेके भी घर पे आते हैं उसी घर में जिसमें वो रहती है सितारा यासीन, छोटी सी लड़की लगती है मुझे तो, अभी एज मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा मैंने डीपली उनके ब्लॉग मतलब पीछे से लेके तो नहीं देखे बट अभी अभी देखे मैंने जो मेरे पास उसमें आ रहे हैं, और मैं आज तो मैंने कम से कम कोई तीन चार व्लॉग देख डाले उनके, कल भी मैंने दो या तीन कुछ ऐसे व्लॉग देखे थे, तो फिर ये होता ना कि अगर आपको छोटी सी चीज़ कुछ दिमाग में अड़ जाए तो फिर आप उसको खगालते हो, तो फिर मैंने पीछे देखा अपने हस्बैंड की बारात की वीडियो वो शेयर कर रही है और खुद ड्रेसअप हो रही है वेडिंग के हिसाब से ना कि घर पे शादी है उसी हिसाब से ड्रेसअप हो रही है, भाई बहुत हिम्मत वाली लड़की हो तुम जो भी हो, और इतनी हिम्मत कि हस्बैंड की शादी की वीडियो भी शेयर करी,
फिर व्लॉगिंग भी कर रही है और 3 बच्चे हैं उनके, अपने 3 बच्चों को भी संभाल रही है। भाई सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो मुझे मुझे ये नहीं पता कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, बट अभी जो है मेरे दिमाग में ना बस वही चला हुआ है 2-3 दिन से, बस वही वही चली हुई है, वही लड़की चली हुई है कि कैसे वो सब कुछ मैनेज कर रही है। फिर वो हस्बैंड उनके आते जाते भी रहते हैं उसके लड़की के सामने, पता नहीं कैसे भगवान इतनी हिम्मत दे देता है इतना सब कुछ करने की। और वो फ्री माइंड होके तो नहीं व्लॉगिंग कर रही होगी, कहीं ना कहीं दुखी भी होगी और हर व्लॉग में बोलती भी है कि मुझे ये करने पे दुख होता है, जब मैं ऐसा देखती हूँ तो दुख होता है। तो दुख तो होता ही है, पर उसका फेस इतना क्यूट सा है ना, उस लड़की का ऐसा लगता है छोटी सी, कोई क्यूट सी लड़की होती है ना वैसे, छोटा सा क्यूट सा उसका फेस है। और 3 बच्चे भी हैं, आई थिंक बहुत कम एज में शादी हो गई होगी, यही मुझे लगता है। और वो व्लॉगर भी इंडिया से नहीं है, आई थिंक किसी और, आई थिंक कराची से है कि कहाँ से है, इतना भी मुझे इतना डीपली नहीं पता है, इतना बोल रही 2-3 दिन से। बट मैं वही देख के हैरान हो गई कि दूसरी शादी उसके हस्बैंड की हुई है और उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया है, और साथ ही साथ फिर वो परेशान भी है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आप में से कौन कौन देखते हैं उसकी उसके ब्लॉग्स बताना मुझे, और क्या स्टोरी है पूरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पूरा प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पाता है देखने का कि क्या है क्या नहीं है, कभी कभी नहीं देख पाती मैं किसी का भी ब्लॉग। बट एक दो दो 3 दिन से मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है देख सुनने की, जानने की कि क्या है। पर लड़की बहुत सुंदर है यार, मुझे बहुत सुंदर लगी वो लड़की। पता नहीं अब क्या माजरा है, क्या है क्या नहीं है ना, सबके घर की अपने अलग अलग इशू रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही होगी, उसके मन पे क्या बीत रही होगी, दिल पे क्या बीत रही होगी, मैं वही सोचती हूँ। इवन उसके हस्बैंड के साथ भी उसने वो, मैंने वीडियो कल देखी जो उसके हस्बैंड के साथ बैठ के उसने बनाई है, उसमें उसके हस्बैंड ने मतलब वो किया है कि उन्होंने खुद उसको शादी की वीडियोस भेजी है कि इससे पहले कोई और दिखा दे, तो उन्होंने खुद जो है अपनी शादी की वीडियोस उनको भेजी है लड़की को, उसको सितारा यासीन को। तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में, पर मुझे पता नहीं था इस बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा भी कुछ है। बट वो ना बहुत दिनों से रिकमेंडेशन में आ रहे थे, बट वही होता है ना कि रिकमेंडेशन में कुछ भी आता रहता है, आप लोग मतलब चेक नहीं कर पाते हैं हम लोग। बट मुझे कल वो रिकमेंडेशन में आई, तो मैंने उसको कल नहीं परसों, 2-3 दिन से आ रही है, फिर मैंने परसों भी देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, आज भी मैं कुछ देख रही थी। हाँ पूरा हो गया। वो लेके आओ अब अपनी जीके की और कंप्यूटर की बुक। तो इस ब्लॉग को ना मैं ज्यादा नहीं वो करती हूँ, या चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, है ना, बातें बातें हो रही हैं इसमें, वैसे कभी कभी बातें भी कर लेनी चाहिए। बट मेरे दिल में आया है ऐसा, मैं भी हो सकता है ना कि आप में से बहुत सारे, मेरे सब्सक्राइबर्स में से बहुत सारे लोग हो जो उस लड़की को देखते हो, उसके ब्लॉग देखते हो, तो आप मुझे बताना कि क्या स्टोरी है एक्चुअल में, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतना मैंने बहुत पीछे से, मेरे पास फुर्सत नहीं हो रही है उसको देखने की, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ तो मेरी समझ में इतना ही आ रहा है अभी। मेरी ये जो लेफ्ट फिंगर वाली जो रिंग है ना, इसके बारे में मुझे कमेंट आया है कि इसकी डिटेल मुझे हमें देना। तो देखो, एक तो सबसे पहले इसका यहाँ से एक नग गिर गया है, और ये बहुत पहले से ये जो इसका नग है ये गिरा हुआ है। तो ये जो रिंग है गोल्ड की है ये, और आई थिंक 3-4 साल पहले की है ये। ये देखो, 3-4 साल पहले मैंने बनवाई थी ये रिंग। तो इसमें छोटे 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 से स्टोन लगे हैं और इस तरीके से है, और काफ़ी ऐसी है, मजबूत है, ऐसे पतले उसमें नहीं है, बल्कि मैं इसको हर वक्त पहने रहती हूँ, तो हो सकता है ये घिस भी गई हो। बट ये नग इसका गिरा हुआ है, तो ये मैंने लगवाया नहीं है, और इतने सारे नग के बीच में ना इसका कुछ पता चलता भी नहीं है। तो ये देखो ऐसी है ये रिंग, आपने बोला तो मैंने सोचा कि नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ। भले टाइम में ये जो रिंग है, आई थिंक 15 या 16 हज़ार कुछ ऐसे की पड़ी थी, कि 14 हज़ार में कुछ ऐसे ऐसे मिली थी, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, पर ये रिंग ऐसी है, फोकस नहीं हो रही है। ये देखो, हाँ ये देखो, ये ऐसी है, और पहन के ये ऐसी दिखती है, पता नहीं वीडियोस में कैसी दिखती होगी, बट ये इस तरीके से है।
कुछ खास हाई फाई डिजाइन नहीं है, सिंपल सा डिजाइन है, बट पहनी हुई ना अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अरु, गुड मॉर्निंग। मम्मी आपके चक्कर में लेकिन हरी गए। अरे अरे मैं आ गई, लो लो मैं आ गई मैं बेड पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।